नेसो का जो ये ब्लैक डे है, ये अभी करनी है, हम लोग 4 साल हो गया 2019 से। हम लोग जो इसको 11 दिसंबर को हम लोग जो ब्लैक डे घोषित किया गया है, कि इसलिए घोषित किया गया कि आज का दिन में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 जो है उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में उन लोग जो तब्दीला किया गया कि इसलिए तब्दीला किया गया कि बिफोर इलेक्शन 2019 का बिफोर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इसमें हम लोग जो है सक्सेसफुली नेसो जो है ऑल इंडिया टूर मार के कैंपेन करके सारा पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को छोड़ के सबसे बात किया, सबसे मिला और सबको कन्विंस किया ये बिल का अगेंस्ट में। तो हम लोग ने सक्सेसफुली उसको कन्विंस करके उन लोग पार्लियामेंट में ये जो लोकसभा में पास हो गया था बिफोर इलेक्शन में, बाद देन राज्यसभा में उसको ड्रॉप करवाना पड़ा। राज्यसभा में उसको ड्रॉप करने के बाद में 2019 में बिल ड्रॉप हो गया, लेकिन जस्ट आफ्टर कुछ महीना के बाद में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो 2019 में होते समय में ये बीजेपी पार्टीज जो है इन लोग जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ गए, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आने का बावजूद उन लोग 11 दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कर गया। इसलिए हम लोग जो नेसो जो है इसको ब्लैक डे मनाता है। तो कितना लोग ब्लैक डे में शामिल हुआ है आज? आज आप देखिए कम से कम 200-300 लोग हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो है सारा इंडिजिनस का है। और नेसो इज स्पेयर हेडिंग द मोमेंट आपसू जो हमारा साथ दे रहा है, हमारा नेसो का एक कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आपसू का ऑफिस में हम लोग कर रहा है। इट्स अप टू द आपसू कि कितना लोग को उन लोग कन्विंस करके बुलाएगा या आना नहीं आना, दैट्स नो द मैटर। फील्ड में आना नहीं आना वो मैटर उतना नहीं करता है। आप अपना दिल में आप अपना इंडिजिनस मोमेंट को, आप अपना इंडिजिनस राइट को आप अगर मांग के बैठे, दैट्स काफ़ी काफ़ी। हम लोग देखिए यहाँ में ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स जो बोलता है, जो घुसपैठी जो हमारा जो बांग्लादेश से तो रुकता नहीं है, ये अभी का नहीं है, लिबरेशन वार से लेके 1971 लिबरेशन वार से लेके अभी तक लाखों करोड़ों का तादाद में वो हमेशा आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग का डायरेक्ट जो कंसर्न स्टेट जो गवर्नमेंट है, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, जो नेबरिंग है वहाँ का, इमीडिएट नेबर है बांग्लादेश का, वहाँ से हम लोग का मांग है कि जो इंडो बंगला बॉर्डर है उसको प्रॉपरली फेंसिंग किया जाए, उसका बाद में उसका निगरानी जो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको जो तैनात करके रखा, उसको 24/7 आप उन लोग अलर्ट जरूर है लेकिन एक्स्ट्रा अलर्ट देना जरूरी है, क्योंकि तस्करी जो बोलता है आपका स्मगलर्स जो यहाँ में किसी भी तरीका का स्मगलर्स है उन रुकता नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग 15 ईयर्स से ये मांग कर रहा है कि प्रॉपर फेंसिंग किया जाए, फेंसिंग जोरदार से कंप्लीट होना है, पूरा कंप्लीट होना है। एंड सेकेंड थिंग्स जो जो ऑलरेडी जो यहाँ है अभी इसको जो NRC जो अपडेट किया है गवर्नमेंट ऑफ असम जो है, अभी NRC जो अपडेट जो दिया है, तो NRC का चलते हम लोग का मांग ये है कि जो इलीगल अभी भी जो इलीगली जो सेटलर्स है उसको डिटेक्ट करना है, हम डिटेक्ट करके उसको वोटर लिस्ट से डिलीट करना है, डिलीट करके उसको हम लोग डिपोर्ट कर देना है वो जहाँ से आया, वो हमारा मांग है अभी का मांग नहीं है। 15 ईयर्स से हम लोग यही मांग रहा है कि उसको डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए एंड डिपोर्ट कर दीजिए जो NRC का बाहर में है, और जो अभी घुसपैठी जो इन्फिल्ट्रेटर से उसको स्ट्रांगली स्टीप उतारना है कि उसको हम लोग जो और घुसने नहीं देना है, और जो घुसा हुआ है इसको कंटिन्यूसली हम लोग को बाहर भगा देना। जैसे कि म्यांमार में अभी सिविल वॉर चल रहा है जिसका कारण से बॉर्डर एरिया में बहुत सारे हम लोग के पास जो लॉन्गिंग एरिया में आपने कहा जैसे कि कोई फेंसिंग वेंसिंग नहीं लगाया हुआ है, जिसका कारण बहुत सारा आ रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स, प्लस दो काम्बुला को भी किडनैप किया गया था कुछ समय पहले, तो इसके बारे में आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है अगर हो सकता है तो इफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इफ द सिचुएशन परमिट द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू शुड डायरेक्टली टॉक टू दैट वन ट्राइबल लीडर्स ऑफ द बर्मा कि आप जो अपना लोग को यहाँ में ज़्यादा आने का यहाँ में आने मत दीजिए,
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डायरेक्टली टॉक टू द जनता मिलिट्री रूलर्स ऑफ दैट म्यांमार कि वहाँ में जो हमारा यहाँ में जो 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 इन्फिल्ट्रेटर्स है उसको बंद किया जाए, क्योंकि हाँ वहाँ में जो आपका आंद्रेस होने का कारण से या उससे पहले भी बर्मिस के जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उन लोग साइलेंटली उन लोग आता है, साइलेंटली आके साइलेंटली रह जाता है और उस मतलब चुपचाप से उन लोग जो जो काम करना है करके बैठता है। ये हम लोग का स्थान पार्ट इज नॉट सेफ फ्रॉम द इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द बांग्लादेशीज, बट देन वी आर वर्किंग, आपसु इज वर्किंग एंड वी आर नेसो इज ऑल्सो वर्किंग टू स्टॉप दैट इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द बर्मिस ऑल्सो। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का बात आ ही गया है तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार इसका ऊपर में क्यों चुप रहे? बीजेपी सरकार वो खुद ला के लेके आया, वो चुप तो रहेगा, वो चाहता है कि ये बिल जो है एज इट इज रहे और सारा दुनिया का जो जितना हिंदू से आपका सिख्स है जो आपका ये जो जितना भी नॉन मुस्लिम्स है बुद्धिस्ट है उन लोग सबको इंडिया में उन्हें एकोमोडेट करना चाहता है, खासकर जो अफगानिस्तान से है पाकिस्तान से है आपका बांग्लादेश से जिसको रिलीजियसली माने प्रोसिक्यूटेड किया गया है तो उसको जो इंडिया में उन लोग रखना चाहता है। हमारा मांग ये है कि आप इंडिया में रखिए, रखना कोई हमारा कोई आपत्ति नहीं है, बाद एन वी डोंट हैव एन इंच ऑफ लैंड इन द नॉर्थर्न स्टेट टू एकोमोडेट दोज पीपल्स इन आवर एरिया सॉरी नॉर्थर्न स्टेट। फाइनल आपके तरफ से कुछ कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल है और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपकी तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को तो क्या कहेगा, इसको तो 16 से कहते आ रहा है कि इन लोग तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जब भी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बारे में जो बोलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही रिप्लाई आता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट में ILP सिस्टम है या रेस्ट्रिक्टेड है, और रेस्ट्रिक्टेड होने का कारण भी होते हुए भी यहाँ में ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क है ना, जैसे कि स्टेटस ऑफ चकमाइन हाजंग्स, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ चकमाइन हाजंग इफ जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ में लागू किया जाएगा, तो क्योंकि उन लोग भी तो बुद्धिस्ट हैं तो दे केम अंडर द एम्बिट्स ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बट देन द आपसू द पीपल्स द इंडिजिनियस पीपल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर अगेंस्ट द चकमाइन हाजंग टू बी ए इंडिजिनियस सॉरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया सिंस 50-60 ईयर्स वी आर फाइटिंग ऑन डेड लाइन, तो उसको हम कैसे इंडियन मानेगा? जो लोग जो बांग्लादेश से आया है हमारा यहाँ इलीगली बैठा है और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का चलते वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा और अरुणाचल में रहेगा, वो तो हम नहीं चाहेगा ना, वो हम सिर्फ नहीं सारा इंडिजिनियस पीपल्स ऑफ इंडिया जो सॉरी अरुणाचल जो उसको नहीं चाहेगा कि वो यहाँ रहे।